वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज हमारे साथ बहुत डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं जिनसे बात होगी हिंदू वुमेन का राइट टू प्रॉपर्टी और कर्ता बनने में क्या समस्याएं आती हैं। सुबिरज स्वाई ग्लोबल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, एशिया और ईस्ट अफ्रीका में आर्टिकल्स लिखती हैं, न्यूज लॉन्ड्री में, क्विंट में, हूट में, हफ पोस्ट में, गार्डियन में, दो किताबें एडिट की हैं फूड जस्टिस पे और न्यूट्रिशन पे। और हम उनसे बात करने जा रहे हैं कि COVID-19 में बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके साथ ये अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हुई कि वहां कोई भी अडल्ट मेल नहीं बचा और अब कोई फीमेल अगर हिंदू जॉइंट फैमिली की कर्ता बनने के अपने राइट को एक्सरसाइज करना चाहती है तो उसमें किस तरीके की परेशानियां हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी बैंकिंग सिस्टम क्रिएट करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं बिरज से उनकी आप बीती सुनूं, मैं आपको एक बहुत ही दर्दनाक फैक्ट और केस के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत लोग हमें ये कहते रहे कि हिंदू लॉ बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है औरतों के सिलसिले में। मनु स्मृति का वो फेमस कोट के औरत जो है वो बच्चे में अपने बाप पर और जवानी में अपने हस्बैंड पर और बुढ़ापे में अपने बेटे पर डिपेंडेंट है और उसे कभी भी आजाद और स्वतंत्र ना छोड़ा जाए। लेकिन अजीब बात यह है कि जब मैं हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ भी पढ़ता हूं तो मुझे एहसास होता है कि ना हिंदू लॉ और ना मुस्लिम लॉ में ओरिजिनल वो रिजिडिटी और वो पैट्रियार्की नहीं थी उस हद तक जिस हद तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में उसमें पैदा की। यानी मनु हो कि नारद हो कि गौतम हो, वो 6 से 10 कैटेगरीज स्त्री धन की बात कर रहे हैं। यकीनन हमारी हिंदू जॉइंट फैमिली में 4 जनरेशंस ऑफ मेन को पार्सनर होते हैं शास्त्रिक लॉ के तहत और फीमेल को पार्सनर नहीं थी, और उसके लिए मॉडर्न क्रिटिक्स जो हैं वो शास्त्रिक लॉ को डिस्क्रिमिनेटरी कह सकते हैं। लेकिन जो हिंदू जॉइंट फैमिली का ओरिजिनल कंसेप्ट था उसमें ये आइडिया नहीं था कि कोपार्सनर प्रॉपर्टी को जब चाहे बेच दे और कोपार्सनर उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दे कि विल कर दे कि सेल कर दे, ऐसा नहीं था। और उसकी जो जॉइंट फैमिली में औरतें थी उनका राइट टू रेजिडेंस था, उनका राइट था कि उनके जो मैरिज एक्सपेंसेस हैं वो मीट किए जाएं, वो जिम्मेदारियां सारी खत्म हो गईं। और जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे हिंदू लॉ को इंटरप्रेट किया उसमें उन्होंने कह दिया कि साहब जो राइट होगा वो बहुत लिमिटेड होगा और जब ये औरत मर जाएगी तो वो प्रॉपर्टी जो है वो उसकी वापस चली जाएगी मेल लीनियंट डिसेंडेंट यानी उसके हस्बैंड के जो मेल वारिसान हैं एयर्स उनमें चली जाएगी और उसकी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर्स में भी बड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाई कि वो ये नहीं कर सकती है पार्टीशन जब तक वो कोई चैरिटेबल काम ना कर रही हो या कोई लीगल नेसेसिटी ना हो। और उसके बाद आपको मालूम है कि एक बहुत लंबी लड़ाई हुई जिसमें लॉ रिफॉर्म हुए, उसका कुछ कुछ जिक्र हम बीच में करेंगे, और फाइनली फिर हमारा हिंदू कोड बिल आया और हिंदू कोड बिल ने लॉ में बहुत रिफॉर्म किए। उन सारे रिफॉर्म्स के बावजूद और हिंदू लड़की को डॉटर को कोपार्सरन बनाने के बावजूद मैं जिस केस की बात कर रहा हूं वह है ओम प्रकाश वर्सेस राधा चरण, 2009 का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अब ये लड़की जो है नारायण देवी, 15 साल की उम्र में इसकी शादी हो जा रही है और ये अब देखिए बात हो रही है 20th century की, ये 7th century के इस्लाम की बात नहीं हो रही है जब चाइल्ड मैरिजेस हो रही थी जिनका हम बड़ा जिक्र करते हैं। 3 महीने के अंदर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है स्नेक बाइट से, उसके हस्बैंड को एक सांप काट लेता है और उसमें हस्बैंड की डेथ हो जाती है।
अब उसकी जो इनलॉस की फैमिली है वो कहती है तुम बैड लक लाई हो हमारे घर, उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ और उसके बाद उसको मैट्रिमोनियल होम से बाहर निकाल दिया। बच्ची है 15 साल की, मां बाप ने और उसने इनिशिएटिव लिया, वो पढ़ लिख गई, सरकारी स्कूल में टीचर हो गई। टीचर होकर अब उसकी 1996 में डेथ होती है। अब उसने 20 लाख रुपए छोड़े हैं अपने बैंक अकाउंट में और उसका प्रोविडेंट फंड है। अब उसने कोई वसीयत नहीं की है। अब जो उसकी नेटल फैमिली है जिसने उसको सहारा दिया था जब ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया, जब उन्होंने सक्सेशन की प्रोसीडिंग्स की तो उसके हस्बैंड के भतीजे, एक मर्द ससुराल वालों का, सामने आ गया और उसने कहा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का तो पूरा हिस्सेदार मैं हूं। और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सिंपैथी और सेंटीमेंट कैन नॉट बी गाइडिंग फैक्टर। मैंने आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में कि मुस्लिम औरतों के सिलसिले में हमारी लेजिस्लेचर और हमारी जुडिशियरी बहुत सिंपैथेटिक है, उनके कॉजेस समहाउ अच्छी तरीके से टेकअप किए जाते हैं, प्रोग्रेसिव जजमेंट्स आते हैं। शाहबानो का जजमेंट ले लें आप, शायराबानो का ले लें, सरकार ने भी आनन फानन में ट्रिपल तलाक का कानून बना दिया, लेकिन इस केस में ना तो कोई लिबरल इंटरप्रिटेशन हुआ, ना कोर्ट ने अपनी पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142 इस्तेमाल की। ये है हकीकत कि हमारे समाज में हिंदू औरतों को लॉ में भी प्रॉब्लम है और उस लॉ के इंप्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम है। लैंड सीलिंग लॉज ले लीजिए, ये मैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बात बता रहा हूं, ये किसी शरिया लॉ की, शास्त्रीय लॉ की और क्लासिकल कैनन लॉ की बात नहीं हो रही है। ज्यादातर ये लैंड सीलिंग लॉज अदालतों में चैलेंज हुए और अपहेल्ड हुए। कई इन लॉज में, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट यूपी का और जगह का, लड़कियों को एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में हमने कोई हिस्सा नहीं दिया और इन लॉज को हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया कि उसको कोई अदालत में चैलेंज भी नहीं कर सकता। हमने ये प्रावधान किया कि अडल्ट बेटा जो है वो तो लैंड सीलिंग लॉ के तहत भी 2 एकड़ एडिशनल हेक्टेयर जमीन रख सकता है, लेकिन लड़की नहीं रख सकती, क्योंकि हम समझते हैं कि औरतें शायद प्रॉपर्टी की सही ओनर और मैनेजर्स नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि हमारे लॉज में अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है और लॉ से ज्यादा हमारे एटीट्यूड में। मैंने बार बार कहा है कि सिर्फ लॉ बदलने से समाज नहीं बदलता। देखिए सेक्शन 23 हिंदू सक्सेशन एक्ट का था, जिसमें हमने कहा कि औरतें जो हैं वो ड्वेलिंग हाउस का पार्टीशन नहीं करा सकती, शेयर तो ले सकती हैं अगर उनका कोई मेल को पार्सनर पार्टीशन कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर सकती। ज्वाइंट फैमिली के सिलसिले में आपको मालूम है कि हमने शेयर नहीं दिया औरतों को प्रॉपर्टी में, इसके बारे में और भी बात होगी। 1976 में लेफ्ट गवर्नमेंट आई केरला में और उसने हिंदू ज्वाइंट फैमिली एबॉलिश की। 1986 में आंध्र प्रदेश ने औरतों को कोपार्सनरी राइट दिया। 1989 में तमिलनाडु ने, 1994 में कर्नाटका ने और महाराष्ट्र ने, अभी 2005 में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने वो हिस्टोरिक अमेंडमेंट किया जिसमें सेक्शन 6 के तहत अब लड़कियां जो हैं वो कोपार्सनर हो गई। और मैं समझता हूं उससे ज्यादा एक इसमें जो खास बात थी कि जो सेक्शन 4(2) था एग्रीकल्चरल लैंड पे, जो हमने ये लॉ लागू करते थे मुसलमानों के लिए भी, जो पर्सनल लॉ बनवाया मुस्लिम लीगियों ने, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, उसमें हमने कह दिया कि एग्रीकल्चरल लॉ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं लगेगा। यानी एग्रीकल्चरल लैंड में जो इस्लाम ने 1:2 का रेशियो में भाई बहनों में प्रॉपर्टी का शेयर दिया था,
वो हमने मुसलमान बेटियों को डिनाई किया और मुसलमान भाइयों ने उसमें ये नहीं कहा कि इस्लाम खतरे में। ये हमारी हिपोक्रेसी है। तो मैं बिरज आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं, बहुत दर्दनाक बात है कि आपके भाई कोविड का शिकार हुए, किसी भी फैमिली में इस तरीके की ट्रेजेडी हो तो कोई 5-6 महीने में भी वो जख्म नहीं भरते, वो तो जख्म हमेशा रहते हैं। उसके बाद आप एक इतनी इनलाइटेंड और पढ़ी लिखी असर्टिव पर्सन हैं, तो आपको क्या क्या समस्याएं अपना राइट एज कर्ता ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली बनने में सामने आए? थैंक यू सो मच सर। ये आपके सवाल का जवाब देने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू से इट इज एन ऑनर आपके शो में आने के लिए। मेरा भाई आपके शो का बहुत ही बड़ा फैन था, सो इट्स लाइक ए होमाज टू माई ब्रदर, इट्स अ ट्रिब्यूट टू एवरीवन। मेरा भाई का नाम बिप्लव स्वाइन था। मुझे लगता है सेकेंड वेव फर्स्ट वेव में जितने भी लोग गुजरे हैं बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंस एंड ह्यूब्रिस हमारे पावर्स दैट बी के लिए, हमारे डिसीशन मेकर्स के लिए बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति को का नाम हम याद रखें और उनको गिनती में शामिल करें। सो आपके शो में आना इज प्रैक्टिकली ए ट्रिब्यूट एंड ए होमेज टू दैट, माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू दैट। एंड ये हम लोग मई 4 को मेरा भाई गुजर गया कोविड से, ठीक है। हम सारे के सारे कोविड पॉजिटिव थे। अभी परिवार में मैं हूँ, मेरी भाभी है हु इज एक्चुअली यंगर देन मी, आई एम द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली, एंड एक 13 साल का बच्चा है। सो दैट इज ऑल दैट इज लेफ्ट ऑफ द फैमिली। पहले सक्सेशन का बात करते हैं, तो लीगल एयर हमने जब अप्लाई किया डेथ सर्टिफिकेट के बाद, वी आर ऑल्सो बैटलिंग, हम पीक सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं सर। जब पीक सेकेंड वेव था, government was on a denial mode. Murad Banaji, a lot of public health experts, New York Times ne modeling kiya hai, it could be at the range of 5 million deaths. And that's a conservative estimate. And we are talking about 50 lakh ke kareeb. Haan, 5 million, 50 lakh ke kareeb, theek hai. And that's a conservative estimate. Aur hum बहुत ही rigorous peer reviewed academic modeling ki baat kar rahe hain, theek hai. Aur is time mein मेरा भाई गुजरा है पीक सेकेंड वेव पैंडेमिक में, ठीक है। पहले तो एडिशनल पेपर वर्क हमें जुगाड़ना पड़ा, फॉर एग्जांपल आईसीएमआर का रिपोर्ट, प्राइवेट नहीं सर, आईसीएमआर का डेटा जिसमें भाई इज रिपोर्टेड एज कोविड पॉजिटिव। दूसरा कॉज ऑफ डेथ रिपोर्ट, आप सोचिए आपने एग्जैक्टली जो सही बोला, मेरे प्रिविलेज के कारण, मेरे असर्शन के कारण ये कागज संभव है। 90% मौत होने वाले घरों में उनके परिवार एब्सोल्युटली ये कागज नहीं अक्वायर कर पाएंगे, कॉज ऑफ डेथ रिपोर्ट या फिर आईसीएमआर का कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, ठीक है। डेथ सर्टिफिकेट हमारा आया 28 दिन बाद। मैं टाइमलाइन बताना चाहती हूँ, 4 तारीख को मेरे भाई की मृत्यु हुई, 31 मई को आया डेथ सर्टिफिकेट, और लीगल एयर सर्टिफिकेट आया जुलाई 3 को। मेरी भाभी ने, अब आपने ऑलरेडी समझाया है हम सबको कि क्या हिंदू एवोल्यूशन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। हमने नहीं अप्लाई किया था हिंदू सक्सेशन एक्ट, हमने खाली लीगल एयर अप्लाई किया था स्टेट गवर्नमेंट कटक में तहसीलदार ऑफिस में। तो ये उनका डिस्क्रेशन है कि उन्होंने हिंदू सक्सेशन एक्ट हम पे लागू किया। वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग हिंदू, वी आर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, और हमें लगता है अगर कोई ऐसा सेक्युलर नॉन रिलीजियन पर्सनल लॉ होता या फिर नॉट पर्सनल लॉ होता जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होता वो भी सही होता हमारे लिए। मेरी भाभी शी इज अ होममेकर, शी इज अ वेरी सिंपल वुमन, एंड आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही थी। तो टीयर 1 लीगल एयर भाभी रही, टीयर 2 मेरा भतीजा रहा, उन्होंने टीयर 3 में मुझे ऐड करने को बोला, जो तहसीलदार ऑफिस ने मिस केस में मना कर दिया, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट, शायद ये आप ही बता पाएंगे, शायद एक मैरिड ब्रदर का अनमैरिड सिस्टर को नहीं रिकॉग्नाइज करता एज ए फैमिली और ए लीगल है। बट इसका प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज आई एम ऑल्सो द केयर गिवर एंड द गार्डियन ऑफ द फैमिली फॉर माई सिस्टर इन लॉ एंड माई नेफ्यू, एंड आई वॉन्ट टू बी रिकॉग्नाइज एज द पेरेंट, आई एम नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज एज द पेरेंट, ठीक है। तो जुलाई 3 को आया लीगल एयर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद लंबी चौड़ी लड़ाई शुरू होती है, और लीगल एयर में भी तो हमको लगा कितना एग्जैक्टली 62 डेज है ना, तो 31 दिन वाला महीना था मई, तो एग्जैक्टली 62 डेज लगे।
तो आप ही बताइए इस 62 days ए फेयर टाइम या उससे ज्यादा होना चाहिए। हमारा बैकग्राउंड चेक 3 बार हुआ क्योंकि कोई मेल नहीं है, 2 महिलाएं हैं और एक बच्चा है। इज दिस नॉर्मल 3 बार बैकग्राउंड चेक होना, ये क्या नॉर्मल है? 62 days होना ट्रांजैक्शन टाइम, क्या ये नॉर्मल है? पहला सवाल। जब हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हाँ, हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और हम पीक पैंडेमिक की बात कर रहे हैं। पीक पैंडेमिक जब पूरे विश्व में इंडिया हॉटस्पॉट और ग्राउंड जीरो हो गया था पैंडेमिक का, ठीक है। अब चलते हैं बैंकिंग की बात। आई थिंक दैट इज, इससे पहले बीरज आप रुको, तो मैं जरा अपने ऑडियंस को बताऊं कि एक बेटी जो है वो तो को पार्टनर है एक फैमिली में, और अब 2005 के लॉ के बाद वो भाइयों के बराबर है। लेकिन यहां बात हो रही है बिप्लब स्वाई जो इनके भाई हैं, कि उनकी जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली होगी उसमें ना तो बर्थ ली है उनकी बहन ने, जाहिर है बहन ने बर्थ ली है फादर की फैमिली में, और ना उनकी बीवी ने, क्योंकि बीवी तो दूसरी फैमिली से आई है, और जो बेटा है वो माइनर है। तो ऐसी सिचुएशन में इस स्ट्रिक्ट और रिग्रेसिव इंटरप्रिटेशन के तहत ये कहा जा रहा है कि हम जो अनमैरिड सिस्टर है जो फैमिली में एल्डेस्ट है हम उसको नहीं मानेंगे करता, जबकि अब लॉ बिल्कुल क्लियर है कि एल्डेस्ट फीमेल जो है दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद वो कर्ता बन सकती है। जी आप बैंकिंग में आइए। फिर हमने जुलाई 16 को IDBI बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जहां तक मुझे पता है आफ्टर देयर डिबैकल विद माल्या एंड द बैड लोन, अभी LIC ने मेजॉरिटी स्टेक खरीदा और अभी भी ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, इट्स 100% पब्लिक सेक्टर बैंक। IDBI बैंक में हमारे अकाउंट्स है, वहां पे एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट भी है, HUF अकाउंट है। जब हमने भाई के अकाउंट को क्लोज करने की लिखित में दी और HUF में हमने सारे के सारे अकाउंट ओपनिंग पेपर्स और कौन है को पार्टनर और हमें कर्ता बनाया जाए, वो जो फॉर्म आई थिंक फॉर्म डी है या 4D है, वो भर के दिया विथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम माई सिस्टर इन लॉ एंड माई नेफ्यू। तो 2 महीने तक देयर वाज स्टनिंग साइलेंस, हमको विंक विंक नज नज यूफेमिज्म में बताया गया कि आप ये अकाउंट बंद कर दीजिए। अब क्यों अचानक ये अकाउंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है? क्योंकि एक तरफ जैसे आपने बोला रिग्रेसिव एंड एक्सट्रीमली टाइट एंड रिग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, एक तरफ आप मुझे, हाँ आप मुझे परिवार का पेरेंट नहीं गिन रहे हैं, तो मैं इनके ऊपर जो भी इन्वेस्ट कर रही हूँ मुझे उसमें कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी मैं ही सोल गार्डियन हूँ, सो इट इज नाउ माय वेस्टेड इंटरेस्ट और मेरी तरह बहुत सारे महिलाओं का वेस्टेड इंटरेस्ट दैट वी नीड टू सेव फॉर माय सिस्टर इन लॉ एंड माय नेफ्यू, राइट। और अब IDBI बोल रहा है एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कि और 11 साल तक, ये अकाउंट कल का अकाउंट नहीं है, 11 साल पुराना अकाउंट है, ऑन रिकॉर्ड है, इसमें हम को पार्टनर हैं, ऑन रिकॉर्ड में मेरी भाभी मेरा भतीजा तीनों को पार्टनर है। बट IDBI 2 महीने बाद अगस्त 24 या 28 को लिख रहा है लिखित में कि हमें आपको पार्टनर नहीं है, आप कर्ता क्या ही बनेंगी, तो आप ये क्लोजर एंड सेटलमेंट में इसे बंद कर दीजिए। सो माय पॉइंट इज 11 साल तक आपको ये 10 साल से अकाउंट है उनके पास और इस पे इनकम टैक्स पे किया गया है 10 साल। यस यस यस, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। सर मेरा पॉइंटेड सवाल आपसे ये है और आपके पूरे ऑडियंस आई थिंक बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी, इज दिस नंबर वन, कैन ए पब्लिक सेक्टर बैंक डिफाई द जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? बिकॉज हमें ये भी बताया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट जो है उसका ज्यूरिसप्रूडेंस खाली मान्य होता है दिल्ली में, ये कोई पंचायत तो है नहीं, पहला चीज। और दूसरा चीज है, कैन ए पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय ब्रिंग हिज सेक्सिज्म टू द वर्कप्लेस इन 21st century? देखिए ऐसा है कि ये बात पूरी तरह सच नहीं है और हम पोस्ट ट्रुथ इरा में रहते हैं तो सच तो वैसे ही रेलिवेंट है। हाई कोर्ट के जजमेंट्स का ज्यूरिसडिक्शन जाहिर है कि लिमिटेड होता है, लेकिन यहां जो सेक्शन 6 है उसके तहत जैसे ही फीमेल को पार्टनर बन गई, ये बड़ी डिबेट हुई है, इसमें केसेस हैं, जैसे पहले ये कह दिया गया कि साहब वो नहीं बन सकती को पार्टनर क्योंकि मिताक्षरा स्कूल जो है
हिंदू लॉ का, उसमें वो कोपार्सनर नहीं है बाई बर्थ, लेकिन दयाभागा स्कूल जो है और बिल्कुल उड़ीसा से मिला हुआ है बंगाल, वहां पर फीमेल कोपार्सनर हो सकती है। तो कोर्ट ने ऐसे जजमेंट दिए कि भाई फीमेल कर्ता भी हो सकती है। अब वो बार के जो कोपार्सनर ना होने का था वो तो लॉ ने हटा दिया, और जैसे ही वो बार हट गया तो अब फीमेल को, एल्डेस्ट फीमेल को कोपार्सनर होने से कोई लॉ नहीं रोक सकता। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं चाहिए। ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ये तो उड़ीसा पे लागू है, उस हिसाब से उड़ीसा की जो भी बैंक है वो उससे बाउंड है। अभी स्टेटस ये है कि हमने उनको नोटिस भेजा है, उनको बोला है दैट हमें सारे, और हमें सारे के सारे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के पन्ने भी नहीं दिए गए हैं, खाली वो पन्ना पेज नंबर 14 जो आई थिंक सारे बैंकिंग में स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं। तो अब हम लॉज कोर्ट ऑफ लॉ जाने से पहले वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल दी प्रीवियस प्रायर प्रोसेसेस। हमने इंटरनल ओम्बड्समैन को लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बड्समैन को लिखा है, बाय द वे मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर को भी लिखा है, और हमने बोला है कि हमें अकाउंट ओपनिंग के सारे फॉर्म्स दीजिए, सारे पेपर्स दीजिए, जिस पेज में हम कोपार्सनर्स है वो उन्होंने दे दिया है, और हम बोल रहे हैं दैट योर इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग और आप हमें तुरंत हैंडओवर कीजिए। बट द पॉइंट इज ये पांचवा महीना है मेरे भाई को गुजरे हुए, एग्जैक्टली 5 महीने 5 दिन हो गए हैं, एंड दिस इज व्हाट वी आर बैटलिंग, एंड समवन लाइक मी इज बैटलिंग दिस। तो आप जो इतने प्रिविलेज नहीं है, इतने कनेक्टेड नहीं है, जो आपके प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी क्या ही स्थिति होगी? तो इसमें क्या किया जा सकता है सर, आप बताइए। नहीं, अल्टीमेटली तो देखिए इसमें आपको मानना ही पड़ेगा उनको कोपार्सनर, लेकिन हम एक बड़े मुद्दे पे हैं। एक आपकी प्रॉब्लम और आप जैसी बहुत सी देश की महिलाएं हैं जिनकी ये प्रॉब्लम, और बहुत सी ऐसी हैं जैसे आपने कहा जो डाउनट्रोडन हैं, इलिटरेट हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि कोपार्सनर क्या होता है, किस बैंक में आरटीआई की जाती है, ओम्बड्समैन क्या होता है, वो कैसे हमारे लॉ से बेनिफिट हों। जो रूल ऑफ लॉ सोसाइटी हम बना रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन हम लाए हैं, ये उसका प्रश्न है कि किसी के घर में डेथ हो जाए और हम पहले डिनायल मोड में रहें कि हम कहें डेथ ही नहीं हुई, ये कोविड डेथ नहीं है, उसके लिए हमने प्रूफ का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा रखा। उसके बाद हम जो उसका अकाउंट है ऑलरेडी वो अकाउंट को रोक दें, मैं समझता हूं कि ये तो कोई अच्छी चीज नहीं, लेकिन जाहिर है कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के जो ऑडियंस हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश पीरियड में भी बहुत से गलत जजमेंट्स आए जिनकी वजह से प्रॉब्लम हुई और औरतों के राइट्स डिनाई हुए। अब अगर कोई हिंदू मुसलमान हो जाए और उसके बाद उसकी डेथ हो जाए, ये बड़ा मशहूर केस है 1853 का, इसमें 2 बेटियां थीं और 3 लाख रुपए प्रॉपर्टी थी, तो ये कह दिया गया कि उसके ऊपर मुस्लिम लॉ लागू नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम लॉ लागू होता तो इन बेटियों को उस प्रॉपर्टी में शेयर मिल जाता। तो ये कहा गया कि नहीं, कन्वर्जन के बाद भी हिंदू लॉ लागू रहेगा। ऐसे ही जो ईसाई हो गए, ईसाई होने के बाद भी उनके ऊपर हिंदू लॉ लगा, और ऐसे ऐसे जजमेंट्स हैं कि हिंदू लॉ रिफॉर्म हो गया, यानी हिंदुओं पे तो वो शास्त्रिक लॉ जिसमें औरतों को प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिल रहा था अब लागू नहीं है, लेकिन बहुत से मुसलमानों पे आज भी लागू है, बहुत से ईसाइयों पर बहुत दिन तक लागू रहा। और इसमें जो लॉज भी बने, ये सोचना कि हर लॉ का रिफॉर्म जो है वो औरतों के हुकूक को और राइट्स को स्ट्रेंथन करता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए ट्रेवेनकोर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट बना 1910 का, इसमें बेटी को ये राइट दिया गया कि उसको 1/4 ऑफ द शेयर ऑफ ब्रदर, बेटे को जो मिल रहा है उसका 1/4 मिलेगा या 5,000 रुपए जो कम हो, दोनों में से जो कम होगा। फिर 1922 में जो ये लॉ था इसमें इंप्रूवमेंट हुआ और ये कहा गया कि बेटी को 1/3 शेयर मिलेगा और 5,000, और जो एक्सेस प्रॉपर्टी होगी वो सब जो है वो मेल रिलेशन को जाएगी अगर बेटा नहीं है।
तो मैं ये समझता हूं कि जब ये लॉ को फाइनली भी कोर्ट ने रोजमेरी के केस में स्ट्राइक डाउन किया, तो वो भी बड़ा टेक्निकल चीज ली। उन्होंने कहा एक प्रिंसली स्टेट का लॉ था, जब तक उसको स्पेसिफिकली सेफ ना किया जाए वो लॉ रिपील माना जाएगा, रादर देन उसकी जो कंटेंट है उस पर वो बात नहीं हुई। और फिर जो हमारे यहां लॉ बना आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसमें बड़ी मुखालफत हुई, अंबेडकर को रिजाइन देना पड़ा, राजेंद्र प्रसाद ने कह दिया कि साहब मैं अगर आपने जॉइंट फैमिली में कोपार्सनर बना दिया लड़कियों को तो मैं साइन नहीं करूंगा, उसकी वजह से आपको मालूम है कि डिले हुआ उसमें। जो लॉ मिनिस्टर थे वो खुद लॉ मिनिस्टर ने अपोज किया, सीसी विश्वास, और अल्टीमेटली एक कंप्रोमाइज हुआ, और उस कंप्रोमाइज में हिंदू बेटी को सिर्फ सेपरेट प्रॉपर्टी में राइट मिला और को पार्सनरी प्रॉपर्टी में, हिंदू ज्वाइंट फैमिली में, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली में राइट नहीं मिला। और वो राइट भी कैसा था, हमको इतने सालों से ये बताया जा रहा है कि वो इक्वल राइट हो गया बेटा बेटी का, ऐसा नहीं था। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं कि अगर किसी के दो बेटे हैं और एक बेटी है तो बेटों को 1/3 1/3 मिल जाएगा, यानी 2/3 प्रॉपर्टी चली जाएगी, और जो 1/3 बचेगी उसके 4 हिस्से किए जाएंगे। इस 1/4 of 1/3 विडो को मिलेगा, 1/4 बेटी को मिलेगा, और 1/4 1/4 दोबारा बेटों को मिलेगा। यानी बेसिकली बेटों को मिल रहा है 1/3 plus 1/4 of 1/3, जो एक्चुअल में हो गया ऑलमोस्ट 5/12, और जो डॉटर को मिल रहा है वो 1/12। और यही वो झगड़ा था जिसके चक्कर में प्रकाश वर्सेस फुलवती का केस हुआ, जिसमें एक हिंदू बेटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंसाफ नहीं किया, बाद में उसको जस्टिस अरुण मिश्रा ने ओवर रूल किया इस जजमेंट को, लेकिन उन्होंने कह दिया मुस्लिम लॉ बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है और उसके लिए हम कहते हैं कि पिटीशन फाइल की जाए। तो ये कहानी है, आप देखिए कि हम हिंदू बेटियों को इस हालत में छोड़ा था। ये तो 2005 के बाद लॉ में इंप्रूवमेंट हुआ है, फिर 2005 से लेके 2020 तक उस लॉ का भी हमने बड़ा रिग्रेसिव और स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया। ये तो जस्टिस अरुण मिश्रा की तारीफ की जानी चाहिए कि रिटायरमेंट से पहले उन्होंने इसको ठीक कर दिया। उसके बाद इनकम टैक्स रिलीफ जो है वो सेक्शन 10 क्लॉज 2 में है, वेल्थ टैक्स में सेक्शन 20 20A में पार्टीशन पर टैक्स में कुछ कंसेशन हैं। जी आप कुछ पूछ रही थी बिराज। सो बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है कि जबकि प्रोबेबली मोस्ट रिग्रेसिव इंटरप्रिटेशंस को चेरी पिक किया गया है, और आप कन्वर्जन भी कर दें तो ये ऐसा जिन है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और आपको डिनाई करने के लिए राइट्स आपको, आप जिस भी नए कम्युनिटी में जाएंगे वहां पे भी जाएगा। एंड ये अपने आप पे ना बीते ना, इन पे कोई डीपली डिटेल में सोचता भी नहीं है। व्हेन वी स्टार्टेड फेसिंग द फुल ब्लंट फोर्स ऑफ इट, तब हमें समझ आया कि पिछले इतने सालों से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ रिफॉर्म के पे इतना डिबेट और डिस्कस हो रहा है, भाई हमें भी कोई पूछो हिंदू पर्सनल लॉ का रिफॉर्म और हमारी क्या स्थिति है। लास्ट क्वेश्चन, चूंकि आप इसको मैक्रो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारे ऑडियंस इसे जितना भी बेनिफिट पाए, ये हम कोविड की भी बात करें, सो दिस इज नॉट जस्ट अ डेथ बट कोविड डेथ एंड द फीमेल सर्वाइवर्स। मई 28 से जून 2 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारी स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे चुके हैं कि वो कोविड विडो, कोविड ऑर्फन एंड चिल्ड्रन हुज प्राइमरी अर्निंग पेरेंट हैज डाइड टू कोविड, उनका केयर ले रहे हैं। टाइमलाइन फिर से इंपॉर्टेंट है, मई 28 से जून 2 के अंदर ये सारे एफिडेविट दे चुके हैं। आप बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन का रिग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत नुकसान करता है। दूसरा चीज जो एज ए पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट मैं समझती हूँ कि अगर आपकी पब्लिक पॉलिसी सॉलिडारिटी सौहार्द से ना निकली हो, भाईचारे से ना निकली हो, और आपकी पब्लिक पॉलिसी में करुणा काइंडनेस ना हो, तो वो पब्लिक पॉलिसी प्राइमरीली फॉर द रिच, इट इज नॉट फॉर द पुअर, इट इज नॉट फॉर द मिडिल क्लास। हर पब्लिक पॉलिसी जो है वो ब्रदरहुड से आनी चाहिए। देखिए प्रीएम्बल में फ्रेटर्निटी है,
अगर लॉ में और जस्टिस में कंपैशन नहीं है तो वो लॉ और जस्टिस बेकार है। ये एक्चुअली ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने मुझे पूछा कि इंडिया के बारे में, जैसे मैं बता रही थी कि ग्रैंड टोटल नोटिस ऑफ 4 आवर्स, जबकि बांग्लादेश बगल में पूरा एक हफ्ते का नोटिस दिया, हमने 4 आवर्स में कंट्री को शट डाउन कर दिया एंड द बिब्लिकल पोर्शन लेवल ऑफ माइग्रेशन होने लगा, वापसी घर वापसी और इतने लोग मरे। सो आई वाज टेलिंग देम कि देखो केरला का जो है वो काइंडनेस से जन्मा है। अभी अगर केरला को बेंचमार्क माना जा रहा है वो इसलिए कि उन्होंने ये नहीं देखा कि एपीएल को फूड एड देना चाहिए या बीपीएल को, उन्होंने सबको फूड एड दिया और एसेंशियल न्यूट्रिशन सर्विसेज, मतलब अभी जैसे एचआईवी एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, विटामिन ए सर्विसेज, रूटीन इम्यूनाइजेशन, ये सब अफेक्टेड हुए हैं और केरला ने इन सबका केयर लिया बिकॉज काइंडनेस एंड सॉलिडेरिटी। और हमारे यहाँ तो आप क्या बोलते हैं, शमशान के चारों ओर आपने टिन शीट लगाए ताकि किसी को पता न चले कितने हिंदू मरे हैं, कितने हिंदू जलाए गए हैं। मैं हंस रही हूँ सर, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा है और मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है बिकॉज आई थिंक माई ब्रदर मस्ट बी ब्लेसिंग मी दैट आई केम ऑन योर शो। तो आज का तारीख जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हु हैव गिवन दोस एफिडेविट्स, मेरा भतीजा जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्टूडेंट है, विच इज डायरेक्टली कम्स अंडर द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफिडेविट दिया है अभी आज तक। और हमने केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर को लिखा है कि आपने कोविड, जो चिल्ड्रन अफेक्टेड हुए हैं कोविड में, उनके लिए क्या पैकेजेस लाए हैं, फीस एग्जेम्पशन कर रहे हैं, किस चीज में किस तरह का एग्जेम्पशन है। अब तक देर हैज बीन नो अनाउंसमेंट, नो ह्यूमन कॉन्टैक्ट ऑल्सो, यहाँ तक भी नहीं कि हम एक सर्वे करा लें कि हमारे पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन फैमिली में कितने बच्चे हैं हु बीन अफेक्टेड, दैट्स नंबर वन। और हम बोल रहे हैं कि हमेशा प्रोग्रेसिव बेस्ट प्रैक्टिसेस का बेंचमार्क पब्लिक सेक्टर को होना चाहिए, तो हम यहाँ पे पब्लिक सेक्टर स्कूल की बात करें जिसने अब तक सर्वे करना तक शुरू नहीं किया है और अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है राहत, ना ही कम्युनिकेशन, इवन कॉन्डोलेंस का भी कम्युनिकेशन नहीं आया है। दूसरा, मेरी भाभी, ये सारी चीजें हम प्राइम टाइम पे बस न्यूज के लिए अनाउंस करते हैं। मैं बस खत्म कर लूं, फिर मैं चाहती हूं आप हमें बताइए रिकॉर्स। मेरी भाभी नाउ शी इज रेंडर्ड विडो, शी इज अ होममेकर। अभी तक अगेन बाय आइदर द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट देयर हैज बीन नो, कोई ह्यूमन कॉन्टेक्ट नहीं हुआ कि ये विडो है, विडो पेंशन में, कोविड विडो में क्या इनका इनका रजिस्ट्रेशन हो और क्या शुरू हो। एंड अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मैं इनका केयर ले सकती हूँ, लेकिन इनका हम टैक्सेस भी तो इसी चीजें के, इन्हीं चीजों के लिए दे रहे हैं ना, हम टैक्सेस और किस चीज के लिए दे रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की एफिडेविट डाले और उसके 120-150 दिन बाद कुछ ना हो, क्या विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स अपने आप को उसी केस में स्पेशल लीव पिटिशन में टैग करा सकते हैं या परजरी में दूसरा कंप्लेन कर सकते हैं, हमारे लिए क्या रिकॉर्ड है सर? नहीं, परजरी तो नहीं, लेकिन आप अपने को इम्प्लीट कराएं इस केस में कि जो सरकार ने ओथ पे सुप्रीम कोर्ट को बताया था, और आपको मालूम है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो थी वो बहुत सख्ती दिखा रही थी ऑक्सीजन की सप्लाई पर और रिलीफ मेजर्स पर, तो वो बेंच जरूर इस पे टेकअप करेगी और डायरेक्टिव देगी। देखिए, जो अच्छी एक वेलफेयर स्टेट होती है उसमें स्टेट के पास अगर इंफॉर्मेशन है, जो कि है जाहिर है क्योंकि आईसीएमआर के उसमें रिकॉर्ड में आ गया कि ये कोविड रिलेटेड डेथ है, तो उसमें जरूर उनको डिजिटल इंडिया में आप लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए था और अपनी श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए थी। और जो इस तरीके के बेनिफिट्स उन्होंने अदालत में अनाउंस किए हैं, किसी भी सरकार को, किसी भी दल की हो, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वो कोई कमिटमेंट देते हैं तो उस कमिटमेंट को मैं समझता हूं ऑनर करना चाहिए, उससे सरकार की भी इज्जत बढ़ेगी और अदालत की भी इज्जत बढ़ेगी। तो विराज, आज की बात हम इस बात पे खत्म करेंगे कि हिंदू वेमेन के राइट टू प्रॉपर्टी में यकीनन बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जीवी देशमुख 1937 में हिंदू वेमेन प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी बिल लेकर आए थे, उसको बहुत वाटर डाउन किया गया और
उसके बाद फर्स्ट हिंदू लॉ कमेटी बनी 41 में, फिर 44 में दूसरी बनी, फिर हिंदू कोड बिल आया और उसमें फिर 2005 में अमेंडमेंट हुए, लेकिन सिर्फ लॉ बदलने से कोई समाज में सुधार नहीं होता जब तक समाज जो है वो ना बदले। बहुत से लॉज हमने बनाए, जैसे इसमें हमने डॉटर्स को शेयर दे दिया प्रॉपर्टी में, लेकिन अक्सर लोग विल कर देते हैं और विल कर कर अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेटों को दे देते हैं और फिर वो जो लॉ में बेटा बेटी का इक्वल शेयर है वो मीनिंगलेस हो जाता है क्योंकि कोई प्रॉपर्टी बचती ही नहीं जो बांटी जाए। कई स्टेट्स ने वो प्रॉपर्टीज, खासतौर से लैंडेड प्रॉपर्टी जिन पे रजिस्ट्री अगर औरतों के नाम पे होगी उसकी फीस कम रखी, तो प्रॉपर्टी औरतों के नाम रजिस्ट्री तो होने लगी लेकिन उस प्रॉपर्टी पर उनका पूरा ओनरशिप नहीं है क्योंकि पेपर सारे मर्दों के पास हैं और वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती अपनी फ्री विल से, वो गिफ्ट नहीं कर सकती उस प्रॉपर्टी को, वो विल नहीं कर सकती। और इतने सारे चेंजेस के बाद भी जो फीमेल ओनरशिप है एग्रीकल्चरल लैंड की वो जितनी होनी चाहिए थी लॉ के हिसाब से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार पे स्टडी लैंड ऐसा नहीं की है, वो बहुत कम है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया बेच, थैंक यू सो मच।